जिंदल साहब को, नवीन जिंदल जी को मैं चुनौती देता हूं कि वो स्पष्ट करें कि वो इस समय कहां पे हैं। चुनाव के बीच में अगर वो इस देश के अंदर है तो आके मेरे से बहस करें। मेरे कुछ सवाल हैं और नवीन जिंदल जी को भी मैं खुली बहस की चुनौती देता हूं। पहला मेरा सवाल है, नवीन जिंदल जी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड का चंदा क्यों दिया, किस डर से दिया, किस दबाव के अंदर दिया? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को कुचलने का काम किया, 750 किसानों की शहादत ली, तो इस देश के अन्नदाता को कुचलने वाली पार्टी को इन्होंने ज्वाइन क्यों किया? क्या आप किसान विरोधी और व्यापारी विरोधी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कुरुक्षेत्र के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने आपके ऊपर 186,000 करोड़ रुपए के कोयला चोरी का आरोप लगाया। अगर वो आप आरोप सत्य है तो मैं पूछना चाहता हूं इस दफा क्या खाओगे? पिछली बार तो कोयला खाया था। अगर हाजमा इतना सख्त है, अगर वो आरोप झूठा है तो आप बताएं कि प्रधानमंत्री ने झूठ बोला था। अगर वो सत्य है तो देश का इतना पैसा हजम करने की जो क्षमता है तो आप क्या हजम करोगे? ये कुरुक्षेत्र की जनता आपसे जानना चाहती है। मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं, भाजपा आपको कोयला चोर कहती थी, भाजपा ने आपको गली गली के अंदर कोयला चोर कोयला चोर कोयला चोर के नारे लगाए, अचानक भाजपा के साथ आपकी क्या डील हुई जो आपको चोर कहने वाली पार्टी एकदम आपको अच्छी लगने लगी? इसके पीछे क्या कारण है? आपने ये कहा था कि आप और आपका कोई परिवार का सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा, अचानक क्या मजबूरी है क्या आप कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए आ गए? अगर आपके पास चुनाव प्रचार के लिए समय नहीं है तो जनता का काम आप कैसे करेंगे? कुरुक्षेत्र के लड़कों के लिए एक भी सरकारी कॉलेज पूरे जिले के अंदर नहीं है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि शिक्षा के लिए आप आवाज उठाएं, यहां पे सरकारी कॉलेज बनवाएं? कि किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी ने किसान को मुआवजा ना देना पड़े, इस क्षेत्र की भूमि को रिचार्ज करने की लाइफलाइन दादूपुर नरवी नहर को 2018 के अंदर बंद कर दिया, जिस बीजेपी ने पूरे कुरुक्षेत्र, पूरा अंबाला, पूरा यमुनानगर, पूरा शाहबाद डुबोने का कूट षड्यंत्र रचा, आपको उस पार्टी के अंदर क्या लगा? और इस नहर का क्या आप जब ये बंद हुई आपका दायित्व नहीं बनता था कि आप इसकी आवाज उठाएं? पिछले बहुत साल से कुरुक्षेत्र में केवल 100 बेड का हॉस्पिटल है सरकारी, उसका भवन, उसके बाद कोई नया निर्माण नहीं हुआ। उसके अंदर आज भी 2024 के अंदर भी MRI मशीन नहीं है। क्या कभी आपको सपने में भी याद नहीं आया कि कुरुक्षेत्र के हॉस्पिटल की हालात को बेहतर कराएं? जब कोरोना फैल रहा था तो आम आदमी पार्टी गांव गांव में जाके ऑक्सीजन केंद्र खोल रही थी, आपका तो पुराना रिश्ता था। मैं तो कुरुक्षेत्र क्या पूरे हरियाणा में घूम रहा था, ऑक्सीजन केंद्र गांव गांव के अंदर खुलवा रहा था, आप कहां थे? जब बाढ़ आई पूरा कुरुक्षेत्र शहर भी बाढ़ के अंदर डूब गया था, पूरा शाहबाद डूब गया था, पूरा रादौर डूब गया था, लाडवा डूब गया था, आप कहां थे? मैं तो यहां पर राशन बांट रहा था, पानी बांट रहा था, दूध बांट रहा था, गली गली जा रहा था इतने इतने पानी के अंदर, आप कहां थे? जब आपने चुनाव लड़ा था आपने वायदे किए थे
कि कुरुक्षेत्र के अंदर मैं बड़े बड़े उद्योग लगाऊंगा ताकि बच्चों को रोजगार मिल जाए। आपने एक सांगल बनाने की फैक्ट्री भी नहीं लगवाई, उद्योग तो बहुत दूर की बात है। क्या इस दफा भी ऐसा ही कोई झूठा वायदा करेंगे? इस देश के अंदर सबसे पहले लाठीचार्ज किसानों पे इस लोकसभा में पीपली से हुआ, कुरुक्षेत्र के अंदर पीपली से हुआ। जितना बदहाल, जितनी नफरत इस बीजेपी के सरकार ने किसानों से की है, आपकी नई नवेली पार्टी ने, जिसको अभी आप तुरंत इलेक्शन टिकट डिक्लेयर होने से 10 मिनट पहले आपने ज्वाइन किया, उसने किसानों को कभी आतंकवादी कहा, कभी खालिस्तानी कहा, कभी उनको उपद्रवी कहा, कभी उनको आंदोलनजीवी कहा, कभी उनकी जड़ चीन में बताई, कभी उनकी जड़ पाकिस्तान में बताई, जिससे भी मिले डंडे से बात की। आपके हिसाब से ये सही था या गलत था? आपकी जो नई नवेली पार्टी है बीजेपी, उसका स्टैंड सही था या गलत था? मैं चाहूंगा कि आप स्पष्टीकरण करें। आपने कांग्रेस में रहते हुए बड़े बड़े तिरंगे झंडे लगाए थे, 10 साल से आपने उनकी सुधरी ली, वो फट गए, वो उतर गए, वो सड़ गए, देश प्रेम खत्म हो गया क्या? दोबारा देश प्रेम आपका कब जागेगा? मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं, आज आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी और हरियाणा के अंदर भी, मंडी के अंदर 1 तारीख से खरीद शुरू हो चुकी है और उठान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बीजेपी की सरकार के चहेतों ने उठान का ठेका ले लिया। अब फसल खराब हो रही है, 2 दिन बाद बरसात आने का अंदेशा है, किसान परेशान है, माल उठ नहीं रहा, तो ये मंडियों में जो माल खराब होगा, तो इस पे आप क्या कह सकते हैं? जनता बुरी तरीके से आज गुस्से में है, आप इन सवालों का जवाब दें, अन्यथा जनता वोट की चोट से आपको जवाब देगी। धन्यवाद।